नमस्कार, IDP24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विराट दुबे। तेलंगाना के मेंढक के एक आदिवासी स्कूल में हैरान कर देने वाला घटना सामने आया है। स्कूल के 150 छात्राओं को हॉस्टल में पानी की कमी के कारण बाल काटने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये घटना एक गुरुकुल स्कूल की है, जहां की प्रिंसिपल के अरुणा ने जबरन 150 छात्राओं के बाल कटवा दिए। उन्होंने ऐसा इस वजह से किया क्योंकि नहाने के लिए पर्याप्त पानी नहीं था। प्रिंसिपल के इस कदम के बाद स्कूल में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। ये घटना दो दिन पहले की घटी है, लेकिन मंगलवार को सामने आई, जब छात्राओं के माता पिता ने रविवार को छात्रावास का दौरा किया। एक अंग्रेजी अखबार में दावा किया गया है कि स्कूल की प्रिंसिपल अरुणा ने कथित तौर पर दो नाइयों को हॉस्टल में बुलाया, जिसके बाद उन्होंने छात्राओं को 25 रुपए देने के लिए मजबूर किया। इस पूरी घटना के बाद अभिभावकों ने प्रिंसिपल के खिलाफ स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि अरुणा ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि साफ सफाई के लिए छात्राओं का बाल कटवाया गया है, क्योंकि कुछ छात्राएं त्वचा की बीमारियों से पीड़ित थी। उन्होंने कहा कि बाल छात्राओं से सहमति से ही कटवाया गया है और हॉस्टल में पानी की कमी भी इसका कारण है। इस बीच जिला प्रशासन और कल्याण विभाग ने इस पूरी घटना के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। तो रोचक और लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ IDP24 न्यूज पर। और हाँ, हमें YouTube में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।